एकनाथ शिंदे न सिर्फ महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार को गिराने में बल्कि शिवसेना को दोफाड़ करने में भी कामयाब दिख रहे हैं, क्योंकि 37वां विधायक, बताया जा रहा है कि 37वां विधायक भी उनके पास पहुंच चुका है। दीपक केसरकर, वो विधायक जो बीते दिन तक मुंबई में बातचीत कर रहे थे, पहुंच गए हैं गुवाहाटी एकनाथ शिंदे के पास, इसका कंफर्मेशन हो गया है। और कितने विधायक, लेकिन इस विधायक की संख्या के 37 पहुंचते ही दल बदल कानून नहीं लगेगा। कहा जा रहा है डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी लिखकर सदन में अपने आप को शिवसेना का नेता घोषित करेंगे एकनाथ शिंदे। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, एमएलए की बगावत के बीच शिवसेना की नई मुश्किल सामने आ रही है, और ऐसे में जो अन्य विधायक बचेंगे उनकी सदस्यता का क्या होगा। कई शिवसेना सांसद भी बीजेपी में, ठाणे सांसद राजन विचारे बीजेपी शिंदे के संपर्क में बताए जा रहे हैं। राजन विचारे जो कि ठाणे से सांसद हैं, भावना गवली, कृपाल तुमाने भी संपर्क में है बीजेपी और शिवसेना के, यानी उद्धव ठाकरे के खिलाफ ये बगावत सिर्फ विधायक नहीं सांसदों तक भी पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसी कड़ी में एमएलए की बगावत के बीच शिवसेना की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। सिर्फ विधायक ही नहीं, और वो भी ऐसे वैसे नहीं, 37 का मतलब है शिवसेना का दो फाड़ होना, जिसमें एकनाथ शिंदे के पास ही वर्चस्व रहेगा, क्योंकि 37 यानी दो तिहाई विधायक, 55 में 37 का होना उनके साथ ये साबित करता है कि वो अपने आप को सदन में नेता साबित करने के लिए पहल करेंगे। और अब तो सांसद भी एक एक करके बगावती तेवर दिखा रहे हैं, भावना गवली, राजेंद्र गावित भी बीजेपी शिंदे के संपर्क में बताए जा रहे हैं, यानी विधानसभा से लेकर लोकसभा तक शिवसेना में ठाकरे परिवार के खिलाफ बगावत का बिगुल बज चुका है। महाराष्ट्र में कई शिवसेना सांसद बीजेपी और शिंदे के संपर्क में बताए जा रहे हैं। ये साफ संकेत है कि शिवसेना अब पूरी तरह से टूटने के कगार पर दिखाई दे रही है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, साहिल जोशी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साहिल, दो तरफा मुश्किल, दो धारी तलवार, इधर विधायक पर विधायक, आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है, 37 का जादुई आंकड़ा, दो तिहाई बहुमत वाला एकनाथ शिंदे के साथ है, तो दूसरी तरफ सांसदों ने भी मोर्चा खोल दिया है बगावत का ठाकरे परिवार के खिलाफ। बिल्कुल, जो सारे सांसद हैं, 18 सांसद शिवसेना के इस वक्त महाराष्ट्र से लोकसभा में पहुंचे, और एक 19वां सांसद जो दादरा नगर हवेली से आते हैं वो सांसद वहां पर है। अब उसके मुताबिक ठाणे के सांसद है राजन बिचारे, उसके साथ में उनके बेटे, खुद एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे कल्याण से सांसद हैं, वो भी उनके साथ में है। कल उनसे भी मुलाकात करने की कोशिश हुई शिवसेना की तरफ से, लेकिन जाहिर सी बात है वो उनके साथ में। वाशिम की सांसद भावना गवली है, वो अनरीचेबल थी, शिवसेना ने मीटिंग बुलाई थी तब, और उसके साथ साथ दो और सांसद पालघर के राजेंद्र सांसद थे। पिछली बार की तरफ से शिवसेना में आकर उन्होंने पालघर से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो भी शिंदे के साथ में दिखाई दे रहे। और कृपाल तुमाने जो रामटेक के सांसद है, लेकिन बढ़ सकता है मराठवाड़ा इलाके एकनाथ शिंदे के साथ संपर्क में होने की खबर है। हालांकि जब लोकसभा का सेशन अलग से बनाने की बात की जाएगी, तब तक मामला कहां जाता है वो एकनाथ शिंदे की तरफ से नजर रखी जाएगी। लेकिन आज की स्थिति में एकनाथ शिंदे के पास 2/3 विधायक हो गए हैं शिवसेना की तरफ से, और आज डिप्टी उनकी तरफ से खत भेजा जाएगा, लेकिन सांसदों पर भी काम चल धन्यवाद आपका साहिल जोशी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। यह ऐतिहासिक वक्त है, बाला साहब ठाकरे का शिवसेना और उनकी शिवसेना में यह दोफाड़ होता हुआ आज का ये कार्यक्रम कह लीजिए, क्योंकि सुबह से एक बार फिर गुवाहाटी पहुंच रहे हैं शिवसेना के विधायक। गुप्ता जी, ये तो पूरा का पूरा ही लुट गया लग रहा है, अब दल बदल कानून भी नहीं लगेगा, ठाकरे परिवार का वर्चस्व खत्म होने वाला दिन है क्या ये शिवसेना में, मिस्टर गुप्ता? तो अंजना जी, मुझे आप एक बात ये बता दीजिए, क्या महाराष्ट्र सरकार का फैसला अब गुजरात में होगा या गुवाहाटी में होगा या महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र के अंदर होगा? जिस होटल की तस्वीरें आप दिखा रही हैं, उस होटल में कितने सारे फोर्स लगी हुई है? क्या कोई आतंकवादी संगठन है? क्या कोई आतंकवादी हमला होने वाला है वहां पर? किस लिए है वो वहां पर? आप मुझे बताइए कि एक विधायक जो गुजरात से छूटकर आए, उन्होंने जो बयान दिया अपना, आपने सुना क्या कहा उन्होंने? 200 पुलिस वाले उनके पीछे थे, और किस तरह से हॉस्पिटल में ले जाकर उनको इंजेक्शन लगाने की कोशिश की जा रही थी,
और ये विधायक जो यहाँ पर उछल उछल के फोटो खिंचवा रहे हैं, वीडियो जारी कर रहे हैं, इन पर आपकी क्या टिप्पणी है मिस्टर गुप्ता? देखिए, अब ये उछल कूद वहाँ, अब जो भी विधायक वहाँ पर हैं, आप मुझे बताइए वहाँ पर क्यों है, वहाँ से क्या ताल्लुक है? अब मैं क्यों बताऊँ, आप बताइए ना, ये तो आपको बताना पड़ेगा ना। जब उनकी कोई स्टेटमेंट ही नहीं है किसी भी तरह की। बाला साहब ठाकरे अगर कहते थे तो मुंबई ठप हो जाती थी, लेकिन उद्धव ठाकरे फेसबुक लाइव से अपील करते हैं फिर भी उनसे कोई बात नहीं करता है, ये कैसा दिन आ गया? अगर विधायकों को बीजेपी शासित राज्यों में कैद करके रखा हुआ है, किसी से बात नहीं करने दिया जा रहा, मीडिया में स्टेटमेंट नहीं देने दी जा रही, और साइन उनसे जबरदस्ती कराए जा रहे हैं, नहीं कराए जा रहे हैं, अब इस बात को कैसे कहा जा सकता है? ये आपको जबरदस्ती दिखाई दे रही है सर, सब मिलजुल रहे हैं, मोबाइल है उनके हाथों में, कुछ लोगों के हाथ में मोबाइल भी दिख रहा है। तो फिर इतनी पुलिस फोर्स क्यों है वहां पर, क्यों नहीं मुंबई में आने दिया जाता? फैसला मुंबई में होगा, ठीक है, पुलिस बल के दम पर, मिस्टर रागी, पुलिस बल के दम पर, रागी जी, पुलिस बल के दम पर सबको रखा हुआ है, शिवसेना का आरोप है, ईडी से परेशान करती है बीजेपी। ऐसा है अंजना जी कि महाराष्ट्र की पुलिस के डर से ही वो लोग भाग करके दूसरी जगह गए हुए हैं। देखिए, पुत्र की महत्वाकांक्षा और अपनी स्वयं की राजनीतिक महत्वाकांक्षा के आगे बढ़ाने के चक्कर में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपनी सत्ता तो गवाई ही, अपनी राजनीतिक पूंजी गवाई ही, अपनी पार्टी खो दिया। अब कह रहे हैं कि आकर के हमसे बात कीजिए। अरे, आपसे बात करने के लिए कौन है? आपको आज स्थिति में ला करके छोड़ दिया है, आपको बात करने जानी पड़ेगी। आप ये समझते हैं कि आप बाला साहब ठाकरे, बाला साहब ठाकरे का भक्त होना इसलिए गर्व की बात है क्योंकि वे हृदय हिंदू हृदय सम्राट थे। उद्धव ठाकरे कहा जाता है धृतराष्ट्र सिर्फ आंख के अंधे नहीं थे। फाइव स्टार होटल में क्यों छिपना पड़ रहा है विधायकों को? महाराष्ट्र की राजनीति है तो मुंबई में क्यों नहीं? कौन से बात का डर है मिस्टर रागी? देखिए, साउथ मुंबई से यदि आप शिवसेना को चलाएंगे तो ध्यान रखिए यही होगा। अपने अपने परिवार के प्रति भक्ति वो चाहते हैं शिव सैनिकों का, जिनका लेना देना शिवसेना के हिंदुत्व के वैचारिक अधिष्ठान से जुड़ा हुआ है। बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए, मैं आपसे अगला सवाल पूछूंगी नहीं। पहरा क्यों? विधायक है ना, चुने हुए नुमाइंदे हैं ये जनता के, इनको सिक्योरिटी की क्यों जरूरत आन पड़ी है? क्यों इतनी सिक्योरिटी है बाहर? देखिए, इनको सिक्योरिटी की इसलिए जरूरत पड़ी है क्योंकि शिवसेना प्रमुख की गुंडई से लोग परिचित हैं, मुंबई के लोग भी परिचित हैं, महाराष्ट्र के लोग भी परिचित हैं। और दूसरा, एक शरद पवार की भी एक भूमिका है, जिनके कहां कहां तार जुड़े हुए हैं, किन किन लोगों के बड़े बड़े डॉन के लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, आरोप लगाते रहिएगा। मैं आपसे भी पूछूंगी मिस्टर गुप्ता, आपसे भी पूछूंगी। बीजेपी विधायक के घर पर तोड़फोड़ कर रहे हैं शिवसैनिक, ये कैसे चलेगा? साहिल, अभी का एग्जैक्ट नंबर क्या है? साहिल जोशी हमें बताएंगे कि अभी कितने विधायक इस वक्त एकनाथ शिंदे के कुनबे में है। अनुपम, अभी का क्या आंकड़ा समझ में आ रहा है और क्या नाम साफ हुए? कितने विधायक अभी अभी जो लाइव में अंदर गए थे, कितने और विधायक जुड़े? आंकड़ा कहां पहुंचा? जी बिल्कुल, जो आंकड़ा अभी तक हमारे पास आ रहा है उसके मुताबिक 37 के आसपास, जो जादुई आंकड़ा, जादुई फिगर की हम बात कर रहे थे, वो इस वक्त भीतर में एकनाथ शिंदे के साथ मौजूद है। और इसमें जो नाम सामने आए हैं, तीन सेना एमएलए हैं, जो दीपक केसरकर, जिसका नाम पहले कहा था मैंने, सदा सरवंकर, मंगलेश कुलाधार और आशीष जायसवाल इंडिपेंडेंट, ये चार लोग इस वक्त भीतर घुसते हुए जो देखे गए वो आइडेंटिफाइड हुए हैं। भीतर से आइडेंटिफाइड होने के बाद तस्वीरें भी आई हैं, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो 37 के आसपास का जादुई आंकड़ा था उसके बेहद करीब इस वक्त एकनाथ शिंदे पहुंच चुके हैं, जादुई फिगर के आसपास है। और जिसकी कोशिश पिछले कल सुबह से गुवाहाटी में हम देख रहे थे, लगातार हो रही थी, और जो कोशिश रंग लानी शुरू हुई वो कल रात से शुरू हुई, जब अचानक से दो एमएलए पहले घुसे यहां पर रात 9 बजे के आसपास, फिर आज सुबह 3 और उसके बाद 4। तो अगर हम कल रात से आज 11 बजे तक के बीच की बात करें तो दो रात में सुबह 3 और अभी 4, 4, 3, 7, तो 9 विधायक इस वक्त पिछले 12 घंटों में इस रेडिसन फोर्ट ब्लू में घुस चुके हैं।
नौ विधायक बीती शाम से पहुंच चुके हैं एकनाथ शिंदे के पाले में, शिवसेना के भी कुछ निर्दलीय भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर दिखाई दे रही है, एकनाथ शिंदे का कुनबा इतना जरूर बढ़ गया है कि वो न सिर्फ महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार को गिराने की कगार पर है, वो सदन में अपने आप को शिवसेना का नेता मानने के लिए डेप्यूटी स्पीकर को चिट्ठी भी लिखने वाले हैं। कहां पहुंचा उनका आंकड़ा, क्या ठाकरे परिवार का वर्चस्व शिवसेना के ही अंदर चुनौती वाली स्थिति में आ गया।